क्लास 9 आईएमओ की बुक ओलंपियाड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने निकालना है बच्चों, रिमाइंडर निकालना है जब ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जब ये डिवाइड होता है एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पर ये बात तो साफ है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एफ ऑफ एक्स है, ये जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, ये पूरी तरह से एक्स प्लस वन से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तभी तो वो रिमाइंडर मांग रहा है। अगर डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता। तो इस तरीके से जब भी आपके पास दी गई हो इस तरह की स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है, जस्ट देखिए x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब x इक्वल टू माइनस वन, इसको हम लोग x एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ माइनस वन अपने निकाल लेंगे, ठीक है। और जितना एफ ऑफ माइनस वन आएगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पर पुट किया तो आ जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो भाई ये तो आंसर ज़ीरो आ गया है, तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया है, ठीक है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, ए एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस बी एक्स रेस्ट पावर क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। सपोज कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ना इज़ अ फैक्टर है। ये फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का। अगर ये फैक्टर है तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन भी फैक्टर होंगे, आर आल्सो फैक्टर्स, ये भी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है जी। तो अब अगर मैं x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो लिखूँ, या फिर मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ, यहाँ पर ये कहा जा सकता है, देखो सबसे पहले तो आप x माइनस वन को ज़ीरो रख के और x प्लस वन को ज़ीरो रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ वन ज़ीरो है और f ऑफ माइनस वन जो है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं, x माइनस वन और x प्लस वन फैक्टर हैं। तो यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 या फिर मैं माइनस वन पुट करती हूँ, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो बन जाती है। अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा तो मेरे पास बच्चों कोई एक्सप्रेशन आ नहीं रहा है। अब दूसरा पुट करके देखते हैं, माइनस वन माइनस वन पुट करते हैं तो पहला a आएगा, दूसरा माइनस बी आएगा, तीसरा c आएगा, चौथा माइनस डी आएगा, देन e आएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। a प्लस सी प्लस ई, यहाँ पर b प्लस डी, या तो बच्चों मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, और यहाँ फिर मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये बन रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि ए बी और सी जो है नॉन ज़ीरोज़ हैं, और साथ में आपके पास यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ए, यहाँ बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बच्चों आपको ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है उस केस में जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो। ये बिल्कुल आप लोगों ने एनसीईआरटी के पॉलीनोमियल वाले चैप्टर में ये वाला फार्मूला किया है, अपोन आ जाएगा ए बी सी, ये कैंसल, तो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट दी है एक क्यूबोडियल टैंक की। क्यूबोडियल टैंक यानी कि हमें निकालना यहाँ पर वॉल्यूम है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो सिंपल यहाँ पर आपको 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई
इंटू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और ये मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप मल्टीप्लिकेशन खुद करेंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ भाई, इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन सी आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन आप इसकी खुद कर लीजिएगा, बहुत ईजी सी है, देख लीजिए। ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लो मैंने कर दी, कुछ भी नहीं है। फिर देन अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है 16x4 माइनस वाई की पावर 4, लो हो भी गया, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया आपके पास ये दे रखा है। तो उसने कहा है कि कौन कौन सी पॉसिबल लेंथ या फिर ब्रेड्थ हो सकती है। बच्चों अगर बात करें, यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है, आप सबसे पहले तो इसके क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे, है ना, फैक्टर्स निकालेंगे, और जो फैक्टर्स आएंगे दो अलग अलग वहीं पॉसिबल लेंथ या फिर ब्रेड्थ हो सकती है। सबसे पहले 14 × 15 करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 210, और बीच में मेरे पास आ रहा है -11, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे चाहिए -210, प्लस या फिर माइनस करने पर मुझे चाहिए -11। तो मैं अगर यहाँ पर 21 और 10 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर -21 प्लस 10 ले लूँ, -21 + 10 ले लें तो हो जाएगी बात बन जाएगी। इसके फैक्टर बना दीजिए, 14x² - 21x + 10x - 15। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 7x, अंदर आ जाएगा 2x - 3, इधर भी 2x - 3 लिख दीजिए, इधर आएगा 5, एक बार 7x + 5, एक बार 2x - 3, देख लीजिए आ रहा है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है हमें, रेक्टेंगुलर फील्ड का ये है एरिया, ठीक है जी, भारी भरकम एरिया दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना, ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है। और यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है ये साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है बच्चों। तो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आपके पास 2x² + 4 है। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि साइड इनटू साइड होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4x⁴, 8 × 8 16x² + 16, ये आ रहा है आपके पास, है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, तो बस बच्चों कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर का माइनस करना है। ये कितना है 2x³ - 11x² - 4x + 5, ये है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर -4x⁴ - 16x² - 16। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, किसको करना है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एरियाज इन इन स्क्वायर। तो बच्चों हमें, हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है इसकी पावर 4 में, और ये छोटा है, है ना। हालांकि उसने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन आंसर को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो निकालना चाहिए, तभी मेरा आंसर जो है ना वो बैठ पाएगा, है ना। माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है, तो पहले अपने ये लिखेंगे 4x³ + 16x² + 16x - 2x³ + 11x² + 4x - 5। अब इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 4x⁴, देन आ जाएगा -2x³ + 16x² + 11, तो 27x² + 4x + 16 - 5, आ जाएगा आपके पास 11। तो ये आपका क्वेश्चन हो रहा है, इसका ऑप्शन आ रही है बच्चों, ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या दे रखा है कि विकास के पास इतनी पैसे हैं, और इस पैसे से या तो वो ये एक जीन खरीद सकता है, या फिर वो एक शर्ट खरीद सकता है, और उसके बाद उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। हाउ मच मनी विकास हैज़ इफ़ एक्स इक्वल टू 4, समझ रहे हो, यानी कि उसके पास कितनी मनी
है अगर x की वैल्यू मेरे पास 4 हो। तो देखो 17 क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टोटल मनी कितनी है उसके पास। टोटल मनी जिसको मैं एफ ओफ एक्स मान लेती हूँ कितनी है उसके पास, रुपीज़ एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस बी, ये इतनी मनी है। अब उसने क्या बोला है कि या तो वो एक्स माइनस 1 रुपीज़ की एक जीन्स ले सकता है या फिर वो एक्स प्लस 1 शर्ट ले सकता है। ठीक है, इतनी वो शर्ट ले सकता है, यानी कि क्या कहते हैं अगर अपन बात करें, यानी कि यहाँ पर ये बात जाहिर सी है कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों ही क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ 1 इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर ये फैक्टर है x माइनस 1 फैक्टर है तो f ऑफ 1 0 होगा, और x प्लस 1 फैक्टर है तो f ऑफ माइनस 1 0 होगा। ठीक है जी, अगर ये 0 है तो 1 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, और इधर से अगर माइनस 1 है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 1 ये एक इक्वेशन बनी। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी, और इधर से क्या बनी, माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, है ना। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। अगर 2 और 3 को ऐड करते हैं तो मेरे पास 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2, और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 1 बाय 2। ए की वैल्यू मैंने माइनस 1 बाय 2 इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, जिसमें आपकी इच्छा हो कर दो। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 1 माइनस 1 बाय 2 पुट की तो यहाँ पर ये कट गया, यह आया माइनस 2 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, और माइनस बी आ जाएगा 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू 0 आएगी, बी की वैल्यू 0 आएगी। ये ना ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखा ही नहीं हमने। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, 0। a माइनस 1 बाई 2 और b 0। अब अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ नाउ a की वैल्यू, अब देखिए इसके बाद यहाँ कर रही हूँ, पुट a इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 बी 0 इन 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इतना ही बचेगा। ठीक है, तो अब ये उसके पास टोटल मनी है, ये अमाउंट ऑफ मनी है, ही हैज़ अमाउंट ऑफ मनी है जितनी उसके पास थी, उसने पुट की, उसने कहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो। अब इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 क्यूब माइनस 4, यानी कि 64 माइनस 4 यानी कि 60 रुपीज़ हैं उसके पास। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन इजी नहीं है, प्रैक्टिस से ही होगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए बच्चों, फिर ये इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में जा कर के ना। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एंड लेंथी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर उसने कहा है भैया ये डिवाइड होता है पूरा पूरा इससे, तो आपको क्वेश्चन क्यू और रिमाइंडर आर के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, मैं सीधा ही सॉल्व कर रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आता होगा, मैं लिख देती हूँ। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फार्मूला किसका है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अगर कहीं बीच में माइनस हो तो आप माइनस को एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मैं सीधा ही सॉल्व कर रही हूँ, सीधा लिख रहे हैं, ये क्या बनेगा, 5x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 25x की पावर 4, 14x का स्क्वायर यानी कि 196x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 2 × 5 × 14, इस तरीके से। ठीक है, ये करेंगे आप, ये आ जाएगा आपके पास 140x³ आगे प्लस 2 × 14 × 2, ये आ जाएगा 56x 28 × 2, आगे अगेन 2ca 10 × 2 20x² यहाँ तक क्लियर है।
देन अगेन यहाँ पर बाहर माइनस है। अब सपोज कर लो बच्चों, अब देखो ये वाला भी फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर माइनस है, चलिए यहाँ पर माइनस है ना। अब देखो एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर बी है ना, जहाँ जहाँ पर बी है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो जहाँ जहाँ पर बी बी है, बी है, वहाँ वहाँ पर आपको माइनस बी लगा देना है। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, प्लस टू माइनस बी इंटू सी प्लस टू सी, बस ठीक है, सेम ऐसे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं माइनस भी साथ में एडजस्ट कर रही हूँ है ना, क्योंकि फिर काफ़ी लेंदी चला जाता है क्वेश्चन नहीं तो। माइनस 16x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 49, में माइनस एडजस्ट करी होगी, बाहर माइनस है ना बच्चों, माइनस 49 प्लस 40x क्यूब प्लस 70x माइनस 56x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो ये आ जाएगा आपके पास 9x की पावर 4, क्यूब वाला करेंगे क्यूब वाला आ जाएगा 180x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला करेंगे एक्स स्क्वायर वाला, ये है एक्स स्क्वायर वाला, ये है और ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 135x स्क्वायर, एक्स वाला करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 712 और 126x, और यहाँ आपके पास सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 45। अब इसको क्या करना है, आपको इसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के साथ, और क्वेश्चन और रिमाइंडर बताने हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पर 9x की पावर 4 सबसे पहले आ जाए। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9x क्यूब के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो बच्चों मैंने किसके साथ किया है, 9x क्यूब के साथ, ये सही है। एक सेकेंड रुक जाओ, ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर लेते हैं, है ना। 9x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आया क्या मेरे पास, नहीं 9x क्यूब के साथ नहीं करेंगे बच्चों, 9x स्क्वायर के साथ करेंगे, 9x स्क्वायर के साथ करेंगे, स्क्वायर के साथ करेंगे, ठीक है। नाइन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 9x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको साइन चेंज करने हैं। अब भूल जाइए कि आपके पास ऊपर क्या था, ये वाले साइन भूल जाइए, और नीचे वाले साइन के साथ आपको सॉल्व करना है। प्लस 180 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 171x क्यूब, देन अगेन प्लस 126x स्क्वायर, ऊपर वाले नीचे ले आइए, ठीक है। अब अगेन इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये बनना चाहिए, 171x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेट प्लस 171x स्क्वायर प्लस 171x मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, मल्टीप्लाई मैंने किया है प्लस 171x के साथ। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अब आप साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज वाला प्रोसीजर, ऊपर वाले साइन अब आप भूल जाएंगे, ये और ये कैंसल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 126 माइनस 171 ये आ जाएगा माइनस 45x स्क्वायर, माइनस 45x माइनस 45, बस। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि एट लीस्ट आपके पास माइनस 45x स्क्वायर स्टार्टिंग में आ जाए, तो इसको सब इसको देखना है, और ये करेंगे अपन माइनस 45 के साथ, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारी पूरी हमारा पूरा का पूरा जो हल है ना वो हमें मिल गया। मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा आपके पास, माइनस 45x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस 45x, इसको इसके साथ भी करेंगे माइनस 45, देन अगेन चेंज द साइन, ठीक है, देन ये कट, क्योंकि ये वाले साइन अब आपको भूल जाने हैं। रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास
नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस 171x माइनस 45 माइनस 45। अब इसमें से आप देख पा रहे हैं कि मैं 9 कॉमन लूँ तो अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 19x माइनस 5। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आया और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो जो मेरा आंसर है ना बच्चों, ये मेरे पास आ रहा है ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इसमें कोई दोराई नहीं है कि क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, और क्वेश्चन टफ भी हैं, तो लेकिन हम इसको इजी बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाते जा रही हूँ ना, साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सप्रेशन, आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। फिर भी स्टूडेंट्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही हो, आप मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको अलग से उस क्वेश्चन की अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के भेज दूंगी, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। यहाँ पर ए और बी कॉन्स्टेंट है। अब इस एक्सप्रेशन में बच्चों उसने कहा है कि आपके पास फैक्टर्स हैं। फैक्टर कौन सा है, एक एक्स प्लस 3 है, ठीक है। ये फैक्टर तो है, यानी कि अपन जब इस इक्वेशन को एक्स प्लस 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है, साथ में एक रिमाइंडर आ रहा है 12। इसे सपोज कर लीजिए कि ये एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। इसको इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 आएगा, यानी कि f ऑफ माइनस 3 जो है ना बच्चों, ये मेरे पास 12 आ रहा है। इस इक्वेशन में जब जब भी मैं माइनस 3 पुट करती हूँ ना, तो मेरे पास 12 आता है। चलो माइनस 3 एक बार पुट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। एंड लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पर फिर देखो स्टेटमेंट पूरी यहाँ आगे नहीं पढ़ा, उसने कहा है एंड था बीच में, एक्स प्लस 1 नहीं, उसने कहा है कि एक्स प्लस 1 तो इसका क्या है, एक फैक्टर है। एक्स प्लस थ्री तो इसका एक फैक्टर है। एक्स प्लस 3 अगर फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू माइनस 3, यानी कि एफ ऑफ माइनस 3 0 आ रहा है। लेकिन साथ में अगर मैं एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ माइनस 1 पुट करते हैं ना, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि अगर मैं एफ ऑफ माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करती हूँ ना, तो मेरे पास आंसर 12 आ रहा है। तो दोनों ही, पहले माइनस 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुट इन वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पुट करेंगे माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 27a, और ये आ जाएगा माइनस 3, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 27, देन आ जाएगा आपके पास माइनस 3b प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास 9a प्लस बी इक्वल टू 10। कैसे आया देख लीजिए, ये देखो, ये माइनस 27 ही है, माइनस 3b है, यहाँ पर माइनस 30 है। ये होल इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 कर दीजिए, माइनस 3, ये आ जाएगा 9a, ये आ जाएगा 9a, ये आ जाएगा आपके पास प्लस बी इक्वल टू 10। तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो एफ इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे इसमें, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए प्लस 3 माइनस बी प्लस 3 इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनी बच्चों, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 12, माइनस 6 इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 6। अब माइनस में एडजस्ट कर दूँ तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। एक इक्वेशन आई मेरे पास ये 2, एक इक्वेशन आई ये। अब मैं क्या कर देती हूँ, 2 माइनस 3 कर देती हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना है, या तो ए को करना है या बी को करना है, और एलिमिनेट करने के बाद मुझे वैल्यू चाहिए ए और बी की। तो सबसे पहले हम लोग बी को एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली, यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर भी प्लस बी है, माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 10 माइनस ऑफ माइनस 6 आ रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये बी और बी कैंसिल, 8a इक्वल टू 16, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, ए की वैल्यू 2, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी इक्वल टू माइनस 6, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस 8। अब चाहिए क्या था भाई उसको, ये तो हमें पता ही नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पर मैंने पूरी नहीं लिख रखी है, आई थिंक ए और बी की वैल्यू ही चाहिए होगी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू माइनस 8 आ गया है। चलिए ये दे रही आगे दे रखी है।
इसका बच्चों ऑप्शन ए आंसर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास एक स्टेटमेंट ये दे रखी है और स्टेटमेंट टू दे रखी है। उसने कहा है कि बताइए कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है, है ना। चलिए सबसे पहले वाला अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। अच्छा चलो ये एक देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ये आपको पता है कि ये 3abc की इक्वल होता है व्हेन व्हेन ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो ज़ीरो हो जाए। अब इसको उठाइए, इन तीनों इक्वेशंस को उठाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको काटापट्टी कीजिए, ये ज़ीरो बन रहा है, ये ज़ीरो बन रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये पूरा एक ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, इसके साथ कंपेयर कीजिए, है ना। सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, या फिर इसको एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ज़ीरो आ रहा है, इनकी एडिशन ज़ीरो आ रही है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर, प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 × a² माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन यहाँ पर हो रही है, × b² माइनस सी स्क्वायर × c² माइनस ए स्क्वायर अपॉन अपॉन में क्या आया आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब, ये बन रहा है आपके पास, है ना। तो ये आपके पास आ रहा है, तो ये है आपकी स्टेटमेंट वन, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन का आंसर मेरे पास ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट वन जो है ना ये फॉल्स है। स्टेटमेंट टू की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट टू में आपके पास क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट टू भी लगाते हैं, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, कहता है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, देखते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए इसको बोला है कि ये 1/2 पार है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए, अंदर भी सारा 2 2 2 2 और 2 से मैंने कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो ये क्या बन गया, 2a² को मैं लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2b² को लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2c² को, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखो बच्चों क्या करना है, हाफ बाहर निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया इसको एक साथ, उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इसको साथ में लिख दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इसको साथ में लिख दो, उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इसको साथ में लिख दो, ये आ जाएगा हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ से घबराना नहीं, आप सोचो भाई यहाँ तो a माइनस सी है, यहाँ c माइनस ए है, बच्चों a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, करके देख लीजिएगा भले आप, b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसी तरीके से ये वाला, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट वन इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर आएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।